गया जिले के परैया प्रखंड के प्रखंड कार्यालय स्थित किसान भवन में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पिछले बैठक के निर्णय और आदेश अनुपालन नहीं होने पर बैठक के औचित्य पर ग्राम पंचायत मंझियाबा पंचायत समिति सदस्य पिंटू शर्मा ने सवाल उठाया है। कई सदस्यों सहित पंचायत समिति सदस्य पिंटू शर्मा ने कहा कि बैठक में कई पदाधिकारी नदारद हैं। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है, साथ ही विकास से जुड़े कार्यों की गति देने की बात उठाई। वहीं इधर बैठक में मुखिया और सभी पंचायत समिति सदस्यों ने एक स्वर में मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार पर मोर्चा खोला। मनरेगा जेई पर हर योजना खोलने के पहले पैसे मांगने का आरोप से पूरा हॉल गूंज उठा। उन्होंने कहा कि योजना सिर्फ कागजों पर चल रही है, लेकिन पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। साथ ही एमओ पर भी कॉल नहीं उठाने का आरोप लगाया गया है और जमकर पंचायत समिति सदस्यों ने नाराजगी जताई। विभाग से लेकर कई लोग अभी हाजिरी बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको जो हाजिरी बना रहे हैं उनको टाइम दे के बनाने का अथी मिला है कि आप टाइम बताइए कि 11 बजे के बाद आप कै बजे आ रहे हैं, और जो नहीं आए हैं और उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत समिति के बैठक के अवहेलना के अथी में अपेक्ष में उनको नोटिस किया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए, स्पष्टीकरण दें। और अस्पष्ट स्पष्टीकरण दें, टाल मटोल वाला स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा। और आगे उनके विभाग के पदाधिकारी को, उच्च पदाधिकारी को हम लोग लिखेंगे कि पंचायत समिति की बैठक को अवहेलना करते हैं, नहीं आते हैं, इन पर कार्रवाई किया जाए। कई महत्वपूर्ण विकास के जुड़े बातें पर रखी गई है और जन्म प्रतिमा पैसे लेने के बाद कहने का मतलब है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति आवासीय, जो भी मामला पर रिश्वत लेने का मामला आया तो जो पदाधिकारी यहाँ थे उन्होंने इसकी जांच करने की, या जो आवेदन मिलने पर, कंप्लेन मिलने पर उसका हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन भी दिया है। तो हम लोग उसको देखते हैं जो हमारे जनता या लाभुक हैं, और अगर आवेदन देते हैं कि हमसे पैसा लिया गया है तो कार्रवाई किया जाएगा। और अधिकारी पर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो इसका दबाव बनाएंगे कि आप अपने नीचे के कर्मचारी पर कार्रवाई करें, और जो नहीं आया है तो उसको समझिए रहे हैं कि हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दे पर चर्चा आपने आज हमारे पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में, लेकिन कई पदाधिकारी जो है अनुपस्थित रहे, जबकि इसकी सूचना जो है 15 दिन जो है पूर्व जो है दिया गया था। यह स्पष्ट पता चलता है इससे कि जो भी सरकारी जो पदाधिकारी हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं, लापरवाह हैं, उनको जो है जनता के हित से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारे प्रमुख जो है इसमें कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि पूर्व आज तक हमारे जो है कई बार बैठक हुई लेकिन एक बार भी PHED के जेई को हम लोग आज तक नहीं देखा। और क्या कार्रवाई किया जाता है हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। आज की पिछली बैठक में भी देख लिया जाए तो हमारा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जो है वो अनुपस्थित था, और कई प्रखंड शिक्षा विभाग के जो है पदाधिकारी अनुपस्थित। आज भी देख लिया जाए तो शिक्षा पदाधिकारी गए, उसके बाद जो है आंगनबाड़ी जो होता है CDPO होता है वो भी अनुपस्थित है, और जो है कई पदाधिकारी, थाना हमारा गायब है। आज हमारे पास थाना का मुद्दा था, खुलेआम जो है परैया में दारू की बिक्री हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतलब पुलिस कहाँ है यह तो पता ही नहीं चलता है। ये मुद्दा उठाया कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनाने में जो है अवैध रूप से राशि ली जाती है। गुंडी एवं भोजपुर का गौरव किसान नर्सरी, कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित उत्पादक एवं विक्रेता। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फल, फूल, गमला, इमारती लकड़ी एवं विभिन्न प्रकार के पौधे, हर प्रकार के आम के प्रमाणित पौधे थोक एवं खुदरा मूल्य पर उपलब्ध हैं। तो देर की इस बात की, अगर आप भी करते हैं प्रकृति से प्यार तो चले आए किसान नर्सरी। हमारा पता है गुंडी पेगा रोड आरा मिल के समीप भोजपुर। होम डिलीवरी एवं बागवानी के लिए संपर्क करें अभय शंकर पाठक से, जिनका मोबाइल नंबर है
7688।